गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर रखी हुई है 10th क्लास की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू रीडर और यहाँ पर पोयम का नाम है अलबेली सुबह। और इतनी ज़बरदस्त और इतनी ब्यूटीफुल पोयम है ये। पोएट जो है ना सुबह के टाइम के बारे में बता रहा है इस पोयम में कि जब सुबह होने को रहती है तो किस तरह से लगता है सुबह का मंज़र, सुबह का सीन क्या होता है, मॉर्निंग टाइम की खूबसूरती इस पोयम में बताई गई है। पोएट ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बहुत सारे रिपीटिंग वर्ड्स को यूज़ करते हुए और जो है ना अपने तरीक़े से पोएट ने जो है ना इसमें मुहावरात और तकरारी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी सी पोयम इन्होंने लिखी है। लिखने वाले पोएट का नाम है शबीर हसन खां, जो जो है ना इनका तखल्लुस है जोश मिली आबादी। नजर झुकाए उरू से फितरत जबी से जुल्फे हटा रही है, सहर का तारा है जलजले में उफक की लौ थर थरा रही है, रोशे रोशे नगमे तरब है चमन चमन जश्न रंगो बू है, तयूर शाखों पे है गजल खां कली कली गुनगुना रही है। सितारे सुबह की रसेली झबकती आँखों में है फसाने, निगार महताब की नशेली निगाह जादू जगा रही है, तयूर बज़्म सहर के मुतरिब लचकती शाखों पे गा रहे हैं, नसीम फिरदौस की सहेली गुलों को झूला झूला रही है, कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती, नहीं ये हीरे की कील पहने कोई परी मुस्कुरा रही है, शिलोका पहने हुए गुलाबी हर एक सबक पंखड़ी चमन में रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही है, फलक पे इस तरह छुप रहे हैं हलाल के गिर्दो पेश तारे के जैसे कोई नई नवेली दुल्हन जबी से अफशा छुड़ा रही है। समरी देखेंगे, खुलासा भी है, एक्सप्लेनेशन भी है इस पोयम का। कुदरत ने कायनात को फूलों, परिंदों, झील, झरनों और चांद सितारों से जिस तरह सजाया है, उसी तरह शायर ने भी अपनी नज़म अलबेली सुबह को भी खूबसूरत अल्फाज, तराकीब, तकरार, लफ्जी, मुहावरों, अलामतों और पीका तराशों के ज़रिए कुछ इस अंदाज में सजाया है कि अलबेली सुबह का एक जीता जागता मंज़र हमारी नज़रों के सामने जलवागर हो जाता है। दरअसल शायरी जज्बात, एहसास और तजुर्बात के खूबसूरत इजहार का नाम है और ये नज़म इसकी मुंह बोलती तस्वीर है। शायर के मुताबिक अभी सुबह होने को है तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उरूस फितरत यानि कायनात दुल्हन की तरह सजी धजी अपना चेहरा दिखलाने के लिए अपने चेहरे से जुल्फें हटा रही है, यानि सुबह का मलगी जी उजाला नमूदार होने वाला है। तो ऐसे खूबसूरत दिल मोह लेने वाले मंज़र को देखकर शहर का तारा जलजले की कैफियत में आ गया है और उफक यानि आसमान पर पहले रंग थर थर आने लगे हैं। ये मंज़र रात के कटने और दिन के उजलने के दरमियान घड़ी दो घड़ी रहता है। शायर आगे लिखता है कि कायनात गोया डोलती हुई गाने लगी है और फूलों से लदे चमन अपने रंगों और खुशबुओं का जश्न मनाने
लगे हैं तो उधर दरख्त की शाखों पर परिंदे, इधर कलियां गुनगुनाने लगी हैं, और सुबह की रसीली आंखें और सूरज की नशेली निगाहों की तराकीब का जवाब नहीं कि शायर ने उनके जरिए जो कैफियत